पानी में तैर रही थी, आराम से घूमे, एक पर्वत पानी में तैर रही थी, चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर, चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर, एक बत्तख पानी में तैर रही थी, एक बत्तख थी, एक और आ गई पानी में तैर रही थी, एक और आ गई, दो बत्तख पानी में तैर रही थी, दो ये तो बड़े वाला जो 7 9 9 ये तो बैक्स है, ये 15 का
सारे लगे थे सितंबर 99 को इंटरव्यू होता उसी दिन मेरी मैरिज थी। ये करना सर ठीक है माय नेम इज बिंदना आई फ्रॉम जीपीएस बलदेव नगर फ्रॉम नेम इज जी और आज हम पेड़ बनाकर बच्चों को घटाना सिखाएंगे। ध्यान दीजिए बच्चे प्लीज ठीक है। तो ये पेड़ बना दिया हमने 23 माइनस 16 बच्चों को घटाना है टुकड़ों में डिवाइड करके ठीक है। तो हमने यहाँ 23 और माइनस 16 यहाँ पर कर दिया। प्लीज बच्चों ध्यान दीजिए आप कहने वाले टाइम में काम आएगा बहुत ठीक है। तो हमने 23 को यहाँ डिवाइड करके टुकड़ों में डिवाइड कर दिया इसको हमने ठीक है। हमने इसमें फोर बना दिए टुकड़े 10 और 10 20 प्लस 3 23 हो गया ठीक है। 16 को हमने डिवाइड किया यहाँ इसके टुकड़ों में इसको विभाजित कर दिया 10 3 3 10 और 3 13 और 3 16 ठीक है। और ये हमने सेम डिजिट में क्यों रखा है क्योंकि हमने इसको यहाँ से खत्म करके और सिंगल को लेना है संख्या को हमने सिंगल लेना है यहाँ पे। और मेन पर्पस क्या है कि 23 यहाँ पे टुकड़ों में संख्या को हमने विभक्त करके बच्चों को बता दिया है। यहाँ पे 23 और माइनस 16 को अगर हम करते हैं तो 7 बचेगा। इन दोनों को कॉमन खत्म करके हमने ये 10 यहाँ पर लिए आए हैं और ये 3 यहाँ पर लिए आए हैं और इनको माइनस करके ये एग्जैक्ट में 7 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए बच्चों तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने भी क्लास में जाके लेसन देना है क्लैपिंग हो जाए फिर बहुत बढ़िया। मैं जीपीएस जसवी से हाँ भी सभी बच्चे एक बार मेरी आवाज आ रही है हाँ जी ध्यान दीजिए बहुत अच्छा। देखिए आज हम आंशिक घटा के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार टुकड़ों में अंश में हम घटा करेंगे वो आपको बताएंगे। यह है जी 79 माइनस 13 79 कितने होते हैं 70 79 सात दहाई 9 इकाई और 13 कितने 1 10 और 3 13। तो हम इसमें से पहले 10 ये कितने 10 थे इसमें 7 वेरी गुड कितने 10 थे 7 7 10 में से हमने एक 10 घटा दिया कितने रह गए अब 6 10 के रह गए 6 10 के कितने होते हैं 60 60 9 69 हमारे पास और क्या रह गया 3 इकाई का। अब उसको इकाई में से घटा देंगे 9 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास 6 रह गया 6 इकाई और 6 दहाई कितना था 60 और 6 66 हमने कितना घटाया था वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए 10 और 3 13 धन्यवाद। किसी साथी को अगर किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है दहाई के कंसेप्ट में इकाई के कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हमें बहुत ही रोचक जानकारी भी मिल रही है और इस ट्रेनिंग को हम बहुत ही आनंद के साथ और मजे के साथ सीख रहे हैं और इसमें सभी टीचर्स का पूरा योगदान है और सभी टीचर्स अपनी तरफ से बहुत अच्छा सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये जो सब मिलकर काम चल रहा है मुझे आशा है कि हम स्कूल में जाके भी अपने अपने विद्यालय में जाके भी इसका प्रयोग करेंगे और बच्चों की तरक्की में इसका बहुत योगदान होगा। थैंक यू बहुत बढ़िया। आज हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं संख्या रेखा पर घटा। संख्या रेखा पर घटा करना छोटे बच्चों के लिए बड़े बच्चों के लिए सबके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है और इससे हम बच्चों को कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे घटा करना बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। आज हमें संख्या मिली है हमने ली है 62 घटा 16। पहले हमने एक संख्या रेखा बनाई है
हमने 0 से शुरू करके 70 तक ली है और हमने इसे 10-10 के हिस्सों में बांटा है। हमारे पास 62 है इसलिए हम इसे 70 तक लेके गए हैं। इसे इजी बनाने के लिए मैंने पूरी काउंटिंग की है 70 तक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमें इसे कहां से शुरू करना है और कहां तक लेके जाना है। अब हमारे पास बड़ी संख्या है 62। जब भी हम घटाते हैं तो संख्या को जो कदम चाल होती है वो हम नीचे से चलते हैं। हमने 1 नंबर से लेकर और हम 62 तक अपनी कदम चाल हमने चली है। अब हमें 62 पे जो हमारा घटा का मुख्य अंक है वो हमारा 62 है। इसमें से हमें 16 घटाना है, तो 16 घटाने के लिए मैंने 10-10 के ग्रुप बनाए हैं। तो सबसे पहले 62 में से मैंने 10 घटाए हैं, जो कि मैंने शो किया है 52 आता है। उसके बाद 10 और 6 16 होते हैं, तो पहले मैंने 10 घटाए हैं और उसके बाद मैंने 6 घटाए हैं। इस तरीके से 62 में से 16 घटाते हैं तो हमारा उत्तर आता है 46 और हमारी संख्या रेखा 46 तक पहुंच जाती है। पहले 60 में से 10 घटाए 52 और फिर 52 में से मैंने 6 घटाए तो उत्तर आता है 46। इस तरीके से संख्या रेखा पर हम घटा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम, नाम आपका? बोलो सर, बोलो, कमाल कर रहे। ये संख्या हमारे पास में 56 में से हमने घटाना है 17 है। अब इसके हम कितने बना लेते हैं? ये 50 है 5 दहाई और ये है 6 इकाई। अब हमें पता है कि 6 इकाई और इसमें 1 दहाई और 6 इकाई है, इसमें से हम ये नहीं घटा सकते। अब इससे यहाँ हम 1 दहाई इधर ले लेते हैं और 1 दहाई ले लेंगे तो यहाँ 16 हमारा होगा। 16 में से 7 दहाई हम ये घटाएंगे तो 9 इकाई हमारी यहाँ बच जाएगी। और जो यहाँ से 10 लिया था हमने, हमारा 4 बच गया था, 4 दहाई बच गया था, 4 दहाई जो 1 दहाई हम यहाँ लेके गए थे, हमारी दहाई ये दहाई यहाँ से घटाएगी 30 दहाई, 3 दहाई यहाँ बच गई 30 और 9 40 हमारा। अमित कौर फ्रॉम GPS आर्मी। संख्या विस्तार से घटाना, हमें दहाई और 56 में से 17 घटाना है। हमें ये दी हुई है 2 संख्याएं, हमने इसके से पहले संख्या विस्तार करेंगे। 56 में 5 दहाइयाँ, जिसको हमने 50 जमा 6 5 ये हो गया, 50 दहाइयाँ होगी, दहाई का हम कहें तो 50 लिख दिया जमा 6 और ये है 17, 10 जमा 7 इसका ये ग्रुप बनाते हैं। अब 50 और 6 ये जो हमारी ये रखी 50 6 में से 7 नहीं जा सकते, हम इधर से दहाई से उधार लेंगे। 1 दहाई हमने उधार ली तो 10 इकाइयाँ बन गई, 10 जमा 6 16 हो गया हमारा। 16 में से हम 16 इकाइयों में से हम 7 इकाई घटाएंगे, 9 इकाई आ जाएगा, ठीक है। हमारा 4 दहाई बचा जिसको हमने 40 लिखा है, 40 घटा 10, 40 में से 10 घटाएंगे 30, 4 दहाइयों में से 1 इकाई 30 जमा 9 39, तो 56 में से 17 गए 39 आ गए। बस उसने शेर मारे तीन, दो तो मारे ही नहीं, दो तो
भाग गया, एक भाग गया, एक भाग गया, एक भाग गया, जो भाग गया, जो भाग गया, जो भाग गया, जो भाग गया, उसने नदियां लांघी थी, उसने नदियां लांघी थी, उसने नदियां लांघी थी, उसने नदियां लांघी थी, तो सुखी पड़ी, तो सुखी ही पड़ी, तो सुखी ही पड़ी, तो सुखी ही पड़ी, एक में पानी नहीं, एक में पानी नहीं, एक में पानी नहीं, एक में पानी नहीं, जिसमें पानी नहीं, जिसमें पानी नहीं, जिसमें पानी नहीं, जिसमें पानी नहीं, उसमें नाव चलाई थी, उसमें नाव चलाई थी, नाव चलाई थी, उसने नाव चलाई थी, तो फूटी ही पड़ी, तो फूटी ही पड़ी, तो फूटी ही पड़ी, तो फूटी ही पड़ी, एक में पैदा नहीं, एक में पैदा नहीं, एक में पैदा नहीं, एक में पैदा नहीं, जिसमें पैदा नहीं, जिसमें पैदा नहीं, जिसमें पैदा नहीं, जिसमें पैदा नहीं, उसमें लोग बैठे तीन, उसमें लोग बैठे तीन, उसमें लोग बैठे तीन, उसमें लोग बैठे तीन, दो को दिखता ही नहीं, 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 एक के आंख नहीं, एक के आंख नहीं, एक के आंख नहीं, एक के आंख नहीं, नहीं, जिसके आंख नहीं, जिसके आंख नहीं, जिसके आंख नहीं, उसने तीर बनाए तीर, 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 बहुत बढ़िया। और ये इस कविता में हम बच्चों से बातचीत कर सकते हैं स्कूल में कि जो जांच शुरू हुई कमी नहीं हुई और कितना झूठ था, सबको लगेगा झूठ है, झूठ नहीं है, नहीं नहीं सारी बनावटी थी, लेकिन इसको सुनने के बाद ऐसा झूठ है, एक ही बार से बात करते हैं झूठ नहीं है, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, बिल्कुल हम बात को एक बार को कितने तरीके से कह सकते हैं, हाँ जी हाँ झूठ नहीं है, लगता मीठी खीर बनाएंगे सारे मिलके खाएंगे, मीठी खीर बनाएंगे सारे मिलके खाएंगे, मैं आप सब कुछ भी कौन खाएगा तो आपने बोलना असी खावा जो मैं बोल रही हूँ, मीठी खीर बनाएंगे सारे मिलकर खाएंगे, मीठी खीर बनाएंगे, डांस भी करना है, कौन खाएगा चम्मच नाल असी खावांगे चम्मच नाल, डांस भी हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
शब्दों में तीन चार बातें लिखना। बुनियादी साक्षरता में तर्क सही चिंतन एक महत्वपूर्ण आधार है। अब आते हैं मैथ के स्किल्स में, आपका जो न्यूमेरेसी में संख्याओं में गणितीय संख्याओं की समझ बनाना व इनसे संबंधित व्यवहारिक सवालों को हल कर पाना। गणितीय अवधारणा जैसे कि शेप्स आ गई, पैटर्न्स है, ये आंकड़ों का प्रयोग, माप आदि को समझना व इनसे संबंधित सरल वाक्यों को हल कर पाना। नेक्स्ट आता है गणितीय सोच व कौशल जैसे कि तर्क करना, समाकलन, समस्या समाधान, सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन, अनुमान लगाना, गणितीय संप्रेक्षण आदि पर विकास कर पाना। उससे नेक्स्ट आता है दैनिक जीवन में तार्किक चिंतन, गणितीय अवधारणाओं या कौशलों का प्रयोग करना। ये जो सभी कौशल हैं बच्चों में तर्क करने व समस्या समाधान की क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं। अब इसके बारे में अन्य बातें और कौन सी है? पहला है भाषा के लिए कौशल अन्य सभी विषयों को सीखने के साथ साथ विषय में एक नागरिक के रूप में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए आवश्यक है। अगर बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाएगा तो उसको अन्य विषयों पर भी उसका पकड़ होगी, मैथ में भी, ईवीएस है, साइंस सब में, और हिंदी पढ़ना सीख जाता है, और विषय में भी उसके नागरिक के रूप में उसकी सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी। बुनियादी गणित की दक्षताएं जो मैथ एक अपना है कॉम्पिटेंसी है, उसकी दैनिक जीवन में उसको कैसे यूज करना है, जीवन में उपयोगी होने के साथ साथ आगे बढ़ने आगे की कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं में दूसरे विषयों जैसे कि विज्ञान को बेहतर समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बुनियादी साक्षरता में संख्या ज्ञान के प्रतिफल बुनियादी कौशल प्राप्त करने का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।